नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ विजय और हम लोग आज मॉक टेस्ट 38 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। आपको इस मॉक टेस्ट में अगर मैथ के किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं इस मॉक टेस्ट का। ठीक है दोस्तों, और अगर आप नहीं दिए हैं इस मॉक टेस्ट को, फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस जो संभावित प्रश्न है JSSC के लिए, ठीक है, वैसे प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप उस प्रश्नों को हल करने के लिए क्या सही अप्रोच होना चाहिए वो सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैथ के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबों का, जो इस बार मैं बाइलिंगुअल में क्वेश्चंस नहीं दे पाया। ठीक है दोस्तों, समय की बाध्यता के कारण जल्दबाजी में क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट नहीं हो पाया हिंदी में। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आया था कि इंग्लिश में क्वेश्चंस जो है समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अगले बार से ऐसा नहीं होगा। अगले बार से जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। और अभी भी जो प्रश्न हल करने वाले हैं, इसमें आप जितना भी इंग्लिश में क्वेश्चंस है सबको हिंदी में बहुत अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि इफ़ ए 4a-3b = 1, ए बी इक्वल टू 1/2, वेयर ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 64a³ + 27b³। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में भी बता देता हूँ कि अगर 4a-3b = 1 है, ए बी इक्वल टू 1/2 है, जहाँ ए और बी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो बताना है कि 64a³ + 27b³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 4a-3b, इसका वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 4a+3b का मान निकाल सकते हैं। 4a+3b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a-3b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ab 4a into 3b। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो और a माइनस बी पता हो, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको अगर हम लोग फिर से लिखें तो ये 4a-3b का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48ab। अब हम लोग को क्या है कि 4a-3b का वैल्यू पता है और ab का वैल्यू पता है, तो दोनों को रख देते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 48ab का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/2, तो ये 24 + 1 ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग 4a+3b का वैल्यू निकालेंगे, या स्क्वायर का वैल्यू था, 4a+3b का वैल्यू निकालना हो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर इक्वेशन 1 माने, इसको अगर 2 माने, अगर दोनों को सॉल्व करें, यहाँ पे 4a-3b ये लिख रहे हैं इक्वल टू 1, ठीक है, तो अगर इसको दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 8a = आ जाएगा 6, यहाँ से a = कितना आ जाएगा, a = आ जाएगा 6/8, जो कि हो जाएगा 3/4। और अगर a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 2/3। ठीक है, ए का वैल्यू 3/4, बी का वैल्यू, तो हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है, 64a³ + 27b³ का। ठीक है, तो 64a³ का वैल्यू 3/4 का क्यूब अगर करते हैं तो ये 27/64 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर 27b का क्यूब करते हैं तो b कितना वैल्यू है, 2/3, तो 8/27। ठीक है, यहाँ से 27 से 27 कैंसिल हो गया और 64 से 64 कैंसिल हो गया, तो 27 + 8 कितना आ गया आंसर मेरा, 35, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इस क्वेश्चन को रिपोर्ट किए थे, वो इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लें। ठीक है, अगला प्रश्न को हल करते हैं। इफ़ x = 1/√2 + 1, देन द वैल्यू ऑफ x² + 2x - 1 = 0। जब भी वैल्यू हम लोग को रूट में दिया गया होना, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो भी एक्सप्रेशन का मान हम लोग को निकालना हो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² + 2x - 1 दिया हुआ है ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपना मर्जी से +1 - 1 करते हैं।
और इसको अगर हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू। देखो यहाँ से यहाँ तक का इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। और अगर एक्स का वैल्यू इसमें हम लोग रख देते हैं तो वन बाय रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू। अब इसको यहाँ पे आके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस वन, और ऊपर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रूट टू प्लस टू, ये इतना का स्क्वायर माइनस टू। अब देखो अगर ऊपर से अगर हम लोग रूट टू कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन और नीचे है रूट टू प्लस वन, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये यहाँ पे टू है, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ रूट टू का स्क्वायर, रूट टू बचा है, रूट टू का स्क्वायर टू होता है और बाहर टू है, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप हमको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को समझने में कुछ कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हुआ था, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और हिंदी और इंग्लिश में हम लोग बारी बारी से समझते हैं। इफ़ एक्स इज़ द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 and 12 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 4, 5 and 8 रेस्पेक्टिवली, देन वाट इज़ द वैल्यू ऑफ 150% ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे अगर 6, 7, 8, 9, 12 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 शेष बचता है, तो हम लोग को बताना है कि x का 150% कितना होगा, ठीक है। x का मान क्या होगा पहले निकालना होगा और उसके बाद हम लोग को x का 150% निकालना होगा। देखो इसके लिए एक थ्योरम बता देते हैं पहले। अगर इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो रिमाइंडर बच रहे हैं, है ना, जैसे कि अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, 7 से तो 3 बच रहा है, 8 से तो 4 बच रहा है, और 9 से तो 5 बच रहा है, और 12 से 8 बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, हर जगह कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक्स का भाग मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं किसका, 6, 7, 8, 9 और 12 का, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, तो 4 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9, 12 का, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 × 3 × 2 × 7, ठीक है, -4। ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 504 - 4, तो ये हो गया 500, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 500। लेकिन एक्स का वैल्यू हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, 150% ऑफ एक्स, ठीक है। तो परसेंट ऑफ एक्स अगर निकालना है तो 150% ऑफ एक्स निकालना है, तो इसको क्या करना होगा, एक्स का मान कितना दे के रखा है, 500, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 750, ठीक है, 750 हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2^51 + 2^52 + 2^53 + 2^54 + 2^55, ठीक है, इसमें से किससे डिविजिबल है ये हम लोग को बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो लोवेस्ट पावर रहता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2^51 अगर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और दूसरे टर्म में 2 बचेगा, तीसरे टर्म में 4 बचेगा, चौथे टर्म में 8 बचेगा, और पांचवे टर्म में 16 बचेगा, ठीक है, 16 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 2^51, और ये यहाँ से आ गया 6, 7, 8, 15 और 31 आ गया, ठीक है। 31 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से
अगर हम लोग 62 करते हैं तो 62 भी नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ क्या करते हैं 2 पे पावर 49 कर देते हैं और 2 पे पावर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पे पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना आ जाएगा, ये 124 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 124 का मल्टीपल है इसलिए ये 124 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, तो 124 से ये डिविजिबल होगा, 125 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ लोग इसे रिपोर्ट किए हैं तो इसका सॉल्यूशन हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3 + 8√7 + 4√3। ठीक है, और यहाँ बाहर भी एक रूट है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी चीज़ें हैं अंदर रूट के अंदर उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें 7 + 4√3 को, तो इसको लिख सकते हैं 4 + 3 + 4√3। अब देखो, अब 4 + 3 + 4√3 को क्या लिख सकते हैं, इसका ट्रिक भी होता है लेकिन आप लोग बेसिक समझिए, ये 8 और ये इसको अलग लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2ab, तो 2 × 2 = √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो है वो रूट को ख़त्म कर देता है, ये ख़त्म कर दिया। अब 8 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 + 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, तो 16 + 8√3 आ जाएगा। ठीक है, ये रूट बाहर भी है। अब क्या करते हैं, ये −√3 है प्लस, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 + 4 का होल स्क्वायर, √3 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर है। अब ये भी स्क्वायर हो गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + √3 + 4। ठीक है, अब ये √3 से √3 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा कितना, √4, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं एवरेज से। क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स इफ रेशियो ऑफ दियर एजेस इज 3:5:7। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट बॉय। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि अगर 3 लड़कों का औसत 15 साल है और उसका अनुपात, मतलब आयु का अनुपात 3:5:5:7 है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा है उसका एज क्या होगा। ठीक है, उसका एज क्या होगा, तो देखो अगर मान लीजिए 3 लड़कों का एवरेज एज 15 साल है, तो उसके एज का सम, मतलब आयु का जो योग होगा वो कितना होगा, 15 × 3 यानी कि 45, है ना, 45 साल। तीनों का जो है उम्र का योग कितना होगा, 45 साल, और 45 यहाँ अनुपातिक, अगर अनुपात को हम लोग देखें तो ये कितना है, 15 का वैल्यू जो है 5 × 3 = 8 = 7 = 15, 15 का वैल्यू है 45, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू 3 हो गया, है ना, 3 गुना हो गया। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन है, 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21, मतलब जो सबसे बड़ा लड़का है उसका आयु कितना होगा, 21 वर्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 480 स्टूडेंट्स 85% ऑफ गर्ल्स एंड 70% ऑफ बॉयज पास्ड, हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इफ टोटल पास परसेंटेज वाज 75%। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर एक परीक्षा में 480 विद्यार्थी शामिल हुए, ठीक है, उसमें से 85% लड़कियां और 70% लड़के पास हुए, तो बताना है कि एग्जामिनेशन में कितने लड़के जो हैं वो शामिल हुए थे। ठीक है, अगर टोटल पास परसेंटेज जो है वो 75% है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, क्वेश्चन है कि इफ टोटल पास परसेंटेज वाज 75%, है ना, तो 75% पास किया तो टोटल स्टूडेंट पास कितना किया,
480 का 75% है ना, तो इसको अगर हम लोग काटें तो 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 2 बार में, 4 से 1 बार में और 4 से 2 बार में, 120 बार में कैंसिल, 12 36 360 स्टूडेंट टोटल क्या है पास हुए हैं। ठीक है, तो 360 स्टूडेंट पास हुए हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है क्या कि लड़कों की संख्या जो एग्ज़ाम में शामिल हुआ, तो माने कि लड़कों की संख्या जो है वो एक्स है, हैं एक्स बॉयज़ जो हैं वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे, तो टोटल बॉयज़ पास कितना किए हैं 70%, मतलब 70/100। और लड़कियां कितना पास करेगी, अगर बॉयज़ एक्स है तो गर्ल्स कितनी होगी 480 - x, टोटल स्टूडेंट 480 है तो 480 - x हो जाएगा, 480 - x। ठीक है, और कितनी लड़कियां पास की है 85%, है ना, 85% लड़कियां पास की है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो 17 - 85 और 20 - 100, और ये टोटल स्टूडेंट पास कितने हुए हैं 360 पास हुए हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने हैं तो 7x/10, और इसको अगर सॉल्व करें तो 17 से ये मल्टीप्लाई होगा पहले 480 से, 17/20 से, तो ये हमारा कटके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 408। ठीक है, और ये -17x/20 = 360। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें अच्छे से तो ये कितना हो जाएगा 14x - 17x/20, और ये इधर चला जाएगा 480 इधर चला जाएगा, 408 इधर चला जाएगा, तो 36 - 408, तो ये यहाँ से हो जाएगा ये -3x/20, है ना, और इधर जाके ये हो जाएगा -48। ठीक है, तो ये 3 से 16 टाइम में कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 × 20, 16 × 32 320। मतलब हम लोग को लड़कों की संख्या निकालना था, लड़कों की संख्या कितनी होगी 320। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए इतना डिटेल में बता दिए हैं आप लोग को, अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग, डिस्काउंट चैप्टर से क्वेश्चन है। आप लोग इसको अगर जो टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किए हैं उसको खुद से आंसर करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविज़न इज 25% ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ़ अ शॉपकीपर अलाउज x% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 8%। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। बोलता है कि किसी वस्तु का, मतलब एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य जो है वो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, और अगर दुकानदार जो है x% का डिस्काउंट देता है तो वो उसको 8% का हानि उठाना पड़ता है। तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हम लोग के पास एक रिलेशन है CP/MP = 100 - discount % / 100 ± profit or loss %। ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ प्लस लेते हैं और अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले से अगर मान ली जाए कि CP = 100 है तो MP कितना होगा, 125 होगा, क्योंकि MP जो है वो CP से 25% अधिक है, है ना। तो 100 / 125 = 100 - discount %, डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहा है x%, तो ये x हो गया, और 100 - लॉस, कितना का लॉस हुआ है 8% का, तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 25 से 5 बार में, ठीक है, और नीचे की चीज़ ये 4/5 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 100 - x/92, है ना। इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से हम लोग, तो 92 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 368। ठीक है, और ये हो जाएगा 500 - 5x, ये 5x को इधर ले आते हैं, -5x + 5x हो जाएगा, और 500 - 368 हो जाएगा 132। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 132/5, है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं भाग दे तो 5 × 10, 5 × 36.4 हो जाएगा x का वैल्यू।
यानी कि वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 26.4% का डिस्काउंट दे रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइव कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री रेड एंड टू ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि ताश की एक गड्डी से हम लोग को पांच कार्ड निकालना है, तो उसमें उस पांच कार्ड में तीन लाल कार्ड और दो काला कार्ड आने का क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से हम लोग को पांच कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, लेकिन हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डियों में से 26 कार्ड जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, है ना, काले कलर का होता है। तो 26 कार्ड में से हम लोग को पहले तीन कार्ड सेलेक्ट करना है, तो 26C3 हो जाएगा। ठीक है, और एंड मतलब कि गुना, है ना, और 26 कार्ड्स में से हम लोग को दो कार्ड सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए 26C2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसको तो हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना है, बस यही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ़ 10x इक्वल टू 12/5, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, 10x मतलब टेन थीटा क्या होता है, 12/5 दिया हुआ है, और ये क्या है, p/b होता है। ठीक है, p/b है, तो h कितना हो जाएगा, रूट अंडर p² + b², ये तो वैसे भी ट्रिपलेट है, तो ये कितना आ जाता है, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, एच का वैल्यू 13 आ जाएगा, हम लोग को निकालना क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है। साइन एक्स क्या होता है, p/h, कॉस एक्स क्या होता है, b/h। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना दिया गया है, 12, और एच का वैल्यू 13, बी का वैल्यू कितना, 5, एच कितना, 13, तो ये 60/169 आंसर हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न। अगला क्वेश्चन को करते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन है कि अमर बाइज एन ओल्ड वॉशिंग मशीन ₹4,4500 एंड स्पेंस ₹500 ऑन इट्स रिपेयर, इफ जी एफ नहीं है, इफ ही सेल्स द वॉशिंग मशीन फॉर 4500, देन व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। बोलता है कि अमर जो है एक वॉशिंग मशीन खरीदता है 4500 रुपये में, और 500 रुपये उसको बनवाने में, रिपेयर करवाने में लगाता है, और फिर बाद में उसको 4500 रुपये में बेच देता है, तो फिर बताना है कि हमारा जो लॉस परसेंटेज है, मतलब कितने हानि हुआ, हानि का प्रतिशत क्या हुआ, ये हम लोग को बताना है। तो देखो, अगर उसका CP कितना हो जाएगा, 4500 प्लस 500 जो रिपेयर में खर्च किया है, मतलब कि 5000, और ये बेच कितना में रहा है, बेच कितना में रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 4500। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हो गया उसको, 500 का लॉस हो गया, 500 का लॉस कितना में हो गया, CP पे लॉस होता है, तो ये 5000 में 500 का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10%। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बस बेसिक क्वेश्चंस भी कुछ कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बेसिक क्वेश्चन को भी शामिल किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि SBI लेंट 1331 लाख टू टाटा ग्रुप एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड गॉट 1728 लाख आफ्टर 3 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इफ कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो बोलता है कि अमाउंट कितना है, अमाउंट है मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 31
1331 लाख, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया है 1728 लाख, ठीक है। तो हम लोग को ये 3 साल के लिए है, तो हम लोग को आर निकालना है। हम लोग को पता है फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय 100 पे पावर कितना एन होता है, और एन हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए बाय पी अगर हम लोग को निकालना है, ए बाय पी अगर हम लोग कर दें तो 1 प्लस आर बाय 100, और ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ए कितना दिया हुआ है 17 28, और ये 13 31, ये 1 प्लस आर बाय 100। जो भी है कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, तो ये देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 12 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस आर बाय 100 पावर 3। अगर पावर समान है और तो बेस भी समान होगा, तो 12/11 बराबर होगा 1 प्लस आर बाय 100 का। यहाँ से आर बाय 100 कितना आ जाएगा 1/11, ठीक है, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/11, जो कि आता है 9.09, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9.09%। अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैलरीज ऑफ आकाश, बबलू एंड चिंटू आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इफ देयर सैलरीज वाज इंक्रीज बाय 15%, 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। क्वेश्चन बोलता है कि अगर आकाश, बबलू और चिंटू का जो वेतन का अनुपात है वो 2:3:5 है, और अगर उसका जो वेतन है वो 15% से बढ़ जाता है, बबलू का आकाश का 15% से बढ़ जाता है, बबलू का 10% से बढ़ जाता है, और चिंटू का 20% से बढ़ जाता है, ठीक है, तो बताना है कि जो उसका नया वेतन है उसका रेशियो, उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या अनुपात था उसका, 2:3:5, ठीक है, ये इनिशियल। अब क्या है कि 15% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, ये 115/100। दूसरे का 10% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 110/100। और तीसरे का 20% बढ़ जाता है तो 120/100, है ना, 100 100 100 कैंसिल कर दो, ठीक है। और यहाँ से अगर जो कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 23 बार में, 5 से ये 22 बार में, 5 से ये 24 बार में, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 12 बार में। तो अब इसका क्या हो गया रेशियो, नया रेशियो 23:33:60, ठीक है, 23:33:60, ये नया अनुपात हो जाएगा, कोई एक्स वाई जेड मानने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। हेलो, तो क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज टू बी 1:2, देन अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स टू बी एडेड टू द मिक्सचर्स, है ना। हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन को। अगर एक मिश्रण में, एक 60 लीटर का जो मिश्रण है उसमें एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो 2:1 है, अगर अनुपात एसिड और वाटर का अनुपात को 1:2 करना है तो उसमें हम लोग को कितना लीटर पानी को ऐड करना होगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसिड और वाटर का अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर टोटल मिक्सचर्स कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, 60 लीटर, है ना, तो इसमें कितना एसिड कितना होगा, एसिड होगा 60 इंटू, देखो रेशियो, देखो 2:1 के रेशियो में 2/3 होगा, है ना, 3 से ये 20 टाइम में, तो ये 40 लीटर होगा। इस तरह से वाटर कितना होगा, वाटर होगा 60:1/3, यानी कि 3 बार में, तो ये 20 लीटर होगा, ठीक है। अब हम लोग से ये पूछा गया है,
कि उसमें कितना पानी ऐड करें कि जो रेशियो है एसिड और वाटर का वो 1:2 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को एसिड में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पानी मिलाना है। ठीक है, पानी में मान लीजिए कि एक्स अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग को मिला रहे हैं, तो रेशियो हमारा कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 20 + x = 80 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 लीटर, है ना। मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग को ऐड करना होगा, 60 लीटर वाटर को ऐड करना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज को समझना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कौन नहीं कैन है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक एक्स कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, वाई कैन डू 40% ऑफ सेम वर्क इन 40 डेज, एंड जेड कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज, हु विल कम्प्लीट द वर्क फर्स्ट। क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं कि अगर एक्स किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम का 40% भाग 40 दिन में पूरा कर सकता है, और जेड उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताना है कि सबसे पहले काम जो है वो कौन कंप्लीट करेगा, कौन फिनिश करेगा। जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो काम को जल्दी फिनिश करेगा। अगर एक्स जो है 1/4 काम, 1/4 काम अगर 10 डेज में कर सकता है, तो पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, 40 डेज में कर सकता है। ठीक है, पूरा काम कर गया। अगर वाई जो है 40% मतलब कि होता है 2/5, है ना, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, तो 2/5 काम कर सकता है 40 डेज में। तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 2/5 40 डेज में, तो एक काम करने में उसको कितना लगेगा, 100 दिन, है ना, 100 डेज लग जाएगा। और इस तरह से जेड को अगर हम लोग देखें, तो जेड अगर 1/3 काम करता है, 1/3 काम करता है 13 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 39 डेज में। तो सबसे पहले काम कौन कंप्लीट कर रहा है, जेड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जेड हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चंस मिसिंग है, 67 नंबर क्वेश्चंस, जो कि टेक्निकल इश्यूज के कारण प्रिंट नहीं हो पाया। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, जिसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अनफॉर्चुनेटली वो प्रिंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 60% ऑफ द अदर डायगोनल, देन एरिया ऑफ रोम्बस इज हाउ मेनी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल। ठीक है, क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं, अगर एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 60% है, तो उस समचतुर्भुज का एरिया उसके बड़े वाले विकर्ण के भुजा के स्क्वायर का कितना गुना है। ठीक है, नहीं सॉरी, फिर से बोलते हैं क्वेश्चन को, तो उस समचतुर्भुज का बड़े वाले विकर्ण की लंबाई के स्क्वायर मतलब कि वर्ग के कितने गुना उसके एरिया है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 × d2, है ना। मान लीजिए कि बड़ी वाली जो भुजा है, सॉरी बड़ी वाली जो डायगोनल है वो कितना है, वो है x, तो d2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60% ऑफ एक्स मतलब कि 0.6x। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है कि उसका जो एरिया है ना, एरिया है वो कितने टाइम्स है एक्स स्क्वायर के कितने टाइम्स है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 × d1 × d2, तो ये क्या हो जाएगा, a = 1/2 d1, तो एक्स है, d2 कितना हो जाएगा, 0.6x। 0.6 को हम लोग अगर इसको यहाँ से हटा देते हैं, 10 लिख देते हैं, 2 × 3, तो ये 3/10 × x², है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एरिया है वो बड़े वाले विकर्ण के स्क्वायर के कितने गुना है, 3/10 गुना, 3/10 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस थ्योरम को, ये जो जिस थ्योरम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये थ्योरम जो है मैंने अपने सेशन में करवा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल सी वन ऑफ रेडियस
रूट थ्री प्लस वन सेंटीमीटर टचेज द सर्कल सी टू ऑफ रेडियस रूट थ्री माइनस वन सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ए बी इज। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन को समझते हैं। अगर एक वृत्त सी वन की जीवा ए बी है और रेडियस जो है त्रिज्या है रूट थ्री प्लस वन, अगर वो दूसरे वृत्त सी टू जिसका रेडियस रूट थ्री माइनस वन है को किसी बिंदु पे टच करता है तो बताना है कि ए बी का लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये सर्कल सी वन है और ये जो है वो सी टू सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, ये रूट थ्री प्लस वन, और इसका रेडियस कितना दे के रखा है, रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, और ये जो है ये कोई चाप है इसका जो इसको यहाँ पे टच करता है, डायग्राम ए बी, ए बी कोई चाप है। ठीक है, जो यहाँ पे पी पॉइंट पे टच करता है, तो हम लोग को ए बी का मान निकालना है। ठीक है, ए बी का मान निकालना है, सॉरी इसको फिर से रिड्रॉ करते हैं हम लोग। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, ए बी का मान हम लोग को निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, ये देखो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं ए पी इक्वल टू रूट अंडर रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़े तो ये थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, टू रूट थ्री पे रूट, सॉरी फोर हो जाएगा, ये टू और टू फोर हो जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा टू, और ये स्क्वायर रूट है और इस पर एक और स्क्वायर रूट लग गया तो ये फोर्थ रूट हो जाएगा, फोर्थ रूट थ्री हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा टू टाइम्स ए पी, है ना, टू इंटू टू टाइम्स फोर्थ रूट ऑफ थ्री, तो ये हो जाएगा फोर फोर्थ रूट ऑफ थ्री। ये आंसर हो जाता हमारा, सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है, sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू जीरो देन वैल्यू ऑफ tan थीटा cos थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन बाय cos थीटा माइनस वन बाय sin थीटा इक्वल टू जीरो। इसको या फिर इसको लिख सकते हैं वन बाय cos थीटा इक्वल टू वन बाय sin थीटा। क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग sin थीटा से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू वन, यानी कि tan थीटा इक्वल टू वन। tan थीटा वन कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर दें तो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू वन होता है, तो ये हो गया टू, तो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न का हल जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में है तो बेझिझक हमसे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपकी मैथ की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैथ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी बेसिक चीज़ें इसमें पूछी जाती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मैथ का। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए, तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।